साथियों, मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, नेफ्रोलॉजी सर्वोदय अस्पताल हिसार एवं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग न्यू दिल्ली से सीनियर नर्स। आज हम बात करेंगे कि ड्रग की प्रेस्क्रिप्शन यानी दवाई का जो प्रेस्क्रिप्शन हो, दवाई का जो पुर्जा मरीज को दिया जाता है, बी ग्रेड सिटीज में कैसे देखा जाए और क्या क्या उसके साथ सावधानियां बरती जाए। दवाई हमारे पास उचित है या नहीं, वो दवाई जो हमें दी जा रही है, वो दवाई जो दी जा रही है वो इंडिकेटेड है या नहीं, ये सबसे पहले देखना चाहिए। अगर इंडिकेटेड है तो क्या ये उस ग्रुप में सबसे अच्छी दवाई है उस मरीज के लिए। तीसरी, इसकी मात्रा सही है या कम है या ज्यादा, ये देखनी पड़ेगी। दवाई का शेड्यूल उचित है या नहीं, मतलब अगर दिन में दो बार देनी है तो दो बार दे रहे हैं, चार बार देनी है तो चार बार दे रहे हैं। और तीसरी बात, क्या हमारा चिकित्सक इसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब लगातार ये देख रहा है कि इस दवाई के दुष्प्रभाव या इसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या दवाई की टॉक्सिटी तो नहीं आ रही, क्या दवाई की टॉक्सिटी तो नहीं आ रही, क्या दवाई के साइड इफेक्ट नहीं आ रहे, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। और क्या हमारे चिकित्सक ने यह हमें समय पर बता दिया है कि दवाई को लेने के बाद किन हालातों में हम दोबारा उनसे मिले। साथियों, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस वो सीरियस रिएक्शंस हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो गलत तरह से दवाई प्रेस्क्राइब करने से होते हैं। ये इनके कई क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर की हम देख सकते हैं कि ये है या नहीं है, जो कि ज्यादातर बी ग्रेड सिटीज में देखे नहीं जाते हैं। जैसे सबसे पहले बियर्स क्राइटेरिया है, बियर्स क्राइटेरिया में क्या ये अवॉइडेड ड्रग को हम अवॉइड कर सकते थे, क्या हमने बिना कॉशन के ये यूज करी है, या कोई ड्रग जो हम पहले ले रहे थे, चार पांच ड्रग्स ले रहे हैं, क्या उनमें ड्रग से ड्रग इंटरेक्शन है या नहीं है, और इस एज ग्रुप में क्या ये ड्रग एप्रोप्रिएट है हमारे देने के लिए, और क्या इस डोज इस दवाई का एडजस्टमेंट ड्रग का कर दिया गया है अगर रीनल फेलियर है या नहीं है। साथियों, किडनी जब फेल हो जाती है तो जो किडनी के द्वारा दवाइयां बाहर जाती हैं वो पूरी तरह से नहीं जा सकती और उनका लेवल बढ़ जाता है, उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का लेवल बढ़ जाता है जो कि टॉक्सिक हो जाते हैं। जैसे सेफटेजिडीन जो कि हम दिन में दो या तीन बार ले रहे थे, उनको एक बार या 24 घंटे में एक बार, 48 घंटे में एक बार कर देना पड़ता है। अगर वो रेगुलरली वो एंटीबायोटिक देते रहते हैं तो उससे कन्वर्जन आके मरीज की जान को भी खतरा हो जाता है। तो जैसे जैसे रीनल फेलियर कम या ज्यादा होगा, दवाई की मात्रा कम या ज्यादा करनी पड़ती है, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा है स्टार्ट क्राइटेरिया। स्टार्ट क्राइटेरिया स्क्रीनिंग टूल टू अलर्ट डॉक्टर्स टू राइट ट्रीटमेंट। स्टॉप क्राइटेरिया स्क्रीनिंग टूल ऑफ ऑर्डर्स पर्सन ओल्डर पर्सन प्रेस्क्रिप्शन। फिट क्राइटेरिया फॉर एज्ड फोटा। ये डिफरेंट क्राइटेरियाज है जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर दवाई की प्रेस्क्रिप्शन है नहीं है। दवाई लेने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उसका एब्जॉर्प्शन जो वो शरीर के अंदर जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होने लग रहा है दवाई दवाई का शरीर के अंदर, मेटाबॉलिज्म जिस तरह से दवाई टूट के बाकी जगह जाने लग रही है, और जो दवाई बाहर आ रही है क्या वो उचित है या नहीं है, क्या उसके फिजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जिन इफेक्ट्स के लिए हमने वो दवाई ली थी क्या उनके उचित मात्रा में जा रही हैं। ड्रग डोज का उचित ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चों में या कम पतले मरीजों में, दुबले या मोटे मरीजों में ज्यादा मात्रा देनी पड़ेगी, बच्चों और दुबलों में कुछ कम मात्रा देनी पड़ेगी। इसी प्रकार कुछ अगर दवाइयां ऐसी दी जाएं जिनसे कि लीवर के ऊपर असर पड़ता है तो डिली दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी होने लग जाती है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, दूसरी बात यह है कि ज्यादातर मरीज ये सोचते हैं कि हर्बल ड्रग्स या आयुर्वेदिक ड्रग्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसलिए वो ना तो अपनी चिकित्सक को बताते हैं और ना ही वो इसके बारे में ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल सभी जगह ऐसा है ऐसा नहीं है।
जिंको ब्लिब्रेना एक चाइनीज हर्बल ड्रग है, जब वो वार्फिन के साथ ली जाती है तो काफी सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। आर्सेनिक भस्म ली जाती है तो कई बार गैंग्रीन होना चालू हो जाती है हाथों में और पैरों में। तो ये आपको बताना पड़ेगा अपने चिकित्सक को। दूसरी बात है, हमें क्वालिटी भी मेजर करनी पड़ेगी। जब चिकित्सक आपको वो दे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट होना चाहिए, एजुकेशन इंटरवेंशन होने चाहिए, और कंप्यूटराइज्ड ऑर्डर दे तो ज्यादा अच्छा है। डिसीजन सपोर्ट रहना चाहिए, दैट इज उसको बताना पड़ेगा कि इनअप्रोप्रिएट ड्रग को अवॉइड करो, इंडिकेटेड ड्रग देनी पड़ेगी, साइड इफेक्ट और ड्रग लेवल जो है, साइड इफेक्ट जब होंगे ये साइड इफेक्ट है और ये करने पड़ेंगे। पॉलीफार्मेसी, अगर कई ड्रग एक साथ जा रही है उनका आपस में इंट्रैक्शन होने लग जाता है। कैंसर पेशेंट के अंदर 40% पेशेंट पांच से ज्यादा ड्रग ले जाते हैं तो उनके ड्रग से ड्रग इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ज्यादातर ओल्ड मरीज या कईयों में विजुअल काफी दिक्कत रहती है तो वो भी काफी कम मात्रा में लेने लग जाते हैं। दूसरा, देते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं और उसी के अनुसार वो बदलना पड़ेगा। कुछ ड्रग्स जैसे एंटीसाइकोटिक हैं जो अनइंडिकेटेड है, उनसे मरीज की जान को ज्यादा खतरा हो जाता है बजाय कि अगर ना दे उसकी वजह से। और कुछ, क्या हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेज का, जैसे एस्प्रिन, स्टेटिन, एआरबीज, एस इनहिबिटर्स, ये ड्रग जब देनी पड़ती है तो ये कई बार नहीं भी देते हैं। साथियों, कई बार जब पेशेंट एडमिट होता है तो जो जरूरी दवाइयां चल रही होती हैं उन्हें एकदम से बंद कर दिया जाता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, लेक्सेटिव्स वगैरह जो ड्रग्स हैं जो पेशेंट एडमिशन में जरूरी होती है वो चलते रहने दिए जाता है, ये नहीं देना पड़ेगा। साथियों, हमारे विचार में एक हफ्ते में एक बार या कभी भी मरीज जब एडमिट है या बार बार फॉलोअप में आ रहा है तो ब्राउन बैग चेकअप होना चाहिए, उसकी सारी दवाइयां जो भी वो लेने लग रहा है वो होना चाहिए, वो देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो देखना पड़ेगा। एडवर्स इवेंट्स रोकने के लिए हमें एरर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो दवाई लिखी गई है उसका पूरी प्रॉपरली डिस्पेंसिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन मरीज ठीक से ले, और एरर इन ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो लिखी है वही दवाई मिले, ये भी देखना पड़ेगा। एक बहुत ही बड़े हमारे नेता को डायवोल की जगह डायमिल दी थी और वो 3-4 दिन बेहोश ही रहे थे। तो डोजिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ड्रग से ड्रग इंट्रैक्शन देखना पड़ेगा। और ये देखा गया है कि कई बुढ़ापे में कई मरीजों को जब हम उचित बेंजोडाइजेपिन ज़्यादा देते हैं फ्रैक्चर ऑफ हिप्स की ज़्यादा वो आने लग जाती है टोन। दैट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंटिव मेजर्स इन एल्डरली, ये भी देखना पड़ेगा, जहां दवाई की बिना चल सके तो हमें वो चलाना पड़ेगा। तो जो बेनिफिशियल ड्रग थेरेपी है वही दें, उचित मात्रा में दें, ठीक से दें, तभी ये चल पाएगा। और आप भी डिफरेंट क्राइटेरिया लेके अपनी गूगल से या जो आपके यहाँ प्रेस्क्रिप्शन स्लिप जो दवाई के साथ में एक छोटी सी पर्ची मिलती है उससे इन सब चीज़ों को देखेंगे तो एक बेहतर तरीके से आप अपने मरीज का इलाज कर पाएंगे। लंबे आयु दीर्घ आयु आपके मरीज की, उचित मात्रा में दवाई लें, ठीक से इलाज हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, सर्वोदय अस्पताल हिसार एवं मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शालीमार बाग दिल्ली से। मेरा फोन नंबर है 9812112793। कभी भी आप मेरे को आके मिल सकते हैं।